आभार प्रकट करें मोमेंटो और अंगवस्त्र देके। मनोज भाई मनोज भाई ये एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन है इस पर आप विचार करें, पैसे ले सकता है और अपना व्यापार आगे बढ़ा सकता है। इसी तरह से एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट, उसने किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, और इस किताब के ऊपर बहुत सेमिनार्स हुए। एक देश दूसरे देश से डरता था और उनको यही लगता था कि दूसरे देश अगर कंपटीशन में आ जाए। उसने कहा कि हर एक देश की का सामर्थ्य है, जैसे हर मनुष्य का सामर्थ्य के ऊपर आगे बढ़े, जिसमें जितनी ताकत होगी वो उतना आगे जाएगा। अब इसमें गड़बड़ तो ये हुई कि नॉर्थ अमेरिका को, यूरोप को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहां से बढ़ूं। मैं आपको थोड़ा ये भी बताना चाहता हूं, आप ये ना समझें कि आपका विश्व में कहीं स्थान नहीं है। मैं आपको भी आपसे ने एक किताब लिखी है सिविलाइजेशन। डॉक्टर साहब आज जो संगोष्ठी है क्या कहेंगे आज? देखिए भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसमें राष्ट्रवाद की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है वहाँ पर तो और ज़्यादा राष्ट्रवाद लोगों में उभर उभर के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इस तरह की संगोष्ठियों का होना, जहाँ पर हमें वापस हमारे राष्ट्रवाद के बारे में सिखाया जाता है। हर बच्चा जाता है, जो स्कूल जाता है तो वहाँ पर जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका सम्मान करना सिखाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सिखाया जाता है, हम लोग राष्ट्रगान करते हैं। इसी तरह जितने भी आप देखेंगे ऑफिसेज हैं वहाँ पर भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक रखे रहते हैं, ताकि एक IAS या कोई ऑफिसर भी जो भी निर्णय ले वो ये मान के ले कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो राष्ट्रहित में होना चाहिए। तो इसी के मद्देनजर इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जहाँ पर हमें कैसे राष्ट्रवाद से जुड़ना है, कैसे हम और इस देश को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम इस देश का उत्थान और अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और स्पेशली जब युवा उससे जुड़ता है तो उस देश का उत्थान निश्चित होता है। आज कई सारे युवाओं ने मिलकर संगोष्ठी को रखा है, तो अच्छे दिन आ गए हैं जी। आज दिनांक 1 जून 2019 को हम सभी आज़ाद आशा की एक किरण और काशी मेडिकेयर के संयुक्त तत्वावधान में आज एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किए, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे बनारस की जो गणमान्य प्रबुद्ध जन हैं उनको एक ऐसा मंच प्रदान करना कि वह अपनी बातें साझा कर सके और एक उद्देश्य के साथ समाज के लिए हम सब मिलकर काम कर सके। आज की जो संगोष्ठी थी उसका जो टॉपिक था हमारा था एडवांसिंग इंडियन थॉट कल्चर एंड इकोनॉमी इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। आज के हमारे मुख्य अतिथि कनाडा से आए सिर्फ हमारे इस कार्यक्रम के लिए साइंटिस्ट डॉक्टर आज़ाद कौशिक हैं। हमें अपना बहुमूल्य समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर राकेश भटनागर जी, हमारे संस्था के जिला संरक्षक प्रोफेसर श्रद्धानंद जी, हमारे संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिल्ली से आए वेटरन कर्नल वीरेंद्र कुमार शर्मा जी और पद्मश्री सम्मानित रजनीकांत जी ने हमारे बीच अपने विचार रखे, और बनारस के सभी प्रबुद्ध जनों को एक नए मानचित्र पेश किया कि वह संपूर्ण विश्व में किस तरह से कार्य कर सके कि भारत को एक विश्व गुरु की तरह आगे बढ़ सके।